तो आरसीबी टीम का अगला मुकाबला हमें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ देखने को मिलेगा, और हैदराबाद के लिए तो भैया यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी स्पॉइल करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर आरसीबी को ये मुकाबला इन्होंने हरा दिया तो ना सिर्फ केवल इनको टॉप टू में जाने से रोकेंगे, बल्कि जो एक सुनहरा मौका आपको मिलता है, एक एक्स्ट्रा चांस आपको मिलता है फाइनल की दहलीज तक पहुंचने के लिए, उससे भी आपको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। तो बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पर आरसीबी टीम के लिए इस मुकाबले का। तो वहीं पर हैदराबाद टीम, देखिए आपके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके युवा खिलाड़ी जिनको आप लगातार मौका दे रहे हो वो अपने आपको एक्सप्रेस करें, अपने सम्मान की यहाँ पर आप लड़ाई लड़ेंगे। तो मुकाबला तो ये लाजवाब होगा, और ये वीडियो भी भैया कमाल होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी टीम के सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 को लेकर, अबू धाबी की ये पिच है, अब इस कंडीशन पर किस तरीके की प्लेइंग 11 यहाँ पर आरसीबी टीम उतारने वाली है, हर एक पहलू पर बात करेंगे, अपडेट को लेकर यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, फटाफट से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक की मुद्दे की, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो यार शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मतलब टॉप ऑर्डर को लेकर, कौन ओपन यहाँ पर कर रहा है। देखिए कोई बदलाव की गुंजाइश है नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, आपके लिए विराट, धरन, मशीन, कोहली, उनके साथ देवदत्त पाटीकल ओपन करते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने हाल फिलहाल में अच्छा किया है, स्पेशली विराट कोहली, तो डेफिनेटली भाई विराट और पाटीकल ओपन कर रहे हैं, ज्यादा यहाँ पर सोचना है नहीं। नंबर तीन पर यूजुअली जो पोजीशन है यहाँ पर, जो फिक्स्ड पोजीशन आपके लाइनअप में देखने को मिलती है, वो है यहाँ पर श्रीकर भरत की, लेकिन हाल फिलहाल में ग्लेन मैक्सवेल नंबर तीन पर आ रहे हैं। नंबर चार पर आ रहे हैं अब्राहम बेंजामिन विस्फोटक डिविलियर्स, और उसके बाद श्रीकर भरत को आप थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश करते हो। हालांकि हम यहाँ पर यूजुअल पोजीशन से ही बात करते हैं, तो नंबर तीन पर आप श्रीकर भरत को यहाँ पर रखिए, नंबर चार, नंबर पांच ग्लेन मैक्सवेल, और उनके साथ अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। और भाई बात कुछ ऐसी है ना कि मैक्सवेल साहब इस खिलाड़ी की थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये अलग ही लेवल में चल रहे हैं, तीन कंसेक्यूटिव 50s लगा कर आ रहे हैं, पांच अर्धशतक पूरे इस साल के आईपीएल में इन्होंने जो है स्कोर किया है, तो ये अलग लेवल है, ये आरसीबी के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर टीम की जो निर्भरता है वो भी काफी हद तक रहती है, पिलर बन गए हैं ये मिडिल ऑर्डर के हाल फिलहाल में। और एबी डिविलियर्स भी पिछले मुकाबले में अच्छी लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, मेरे ख्याल से दो छक्के शायद उन्होंने लगाए भी थे, लग रहा था कि अच्छी लय में है, हालांकि अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो भी फॉर्म में आते हैं तो ये अच्छा रहेगा आरसीबी टीम के लिए, क्योंकि आरसीबी तो इसे मस्ट विन गेम मानकर ही चलेगी, क्योंकि टॉप टू में वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और इनफैक्ट प्लेऑफ्स आ रहा है, तो आप चाहते हो कि भैया आपके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर लय में भी नजर आए। अब इसके बाद बात करें नंबर छह पोजीशन को लेकर, तो भाई यहां पर थोड़ी सी आप चर्चा कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर छह पर आपके लिए डैन क्रिश्चियन खेल रहे हैं, मुझे लगता है पिछले कुछ मुकाबलों में जो आपने उन्हें खिलाया ना तो अच्छा कर भी रहे हैं, गेंद के भी साथ अच्छा कर रहे हैं, बल्ले के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट आपके लिए कर सकते हैं, मुझे लगता है आप उनके साथ कंटिन्यू करोगे। लेकिन पिछले मतलब पिछली बार बेसिकली जब आपने अबू धाबी में खेला था तो साहब आप केकेआर के अगेंस्ट खेले थे, और आपको मैं बता दूं कि 92 रन पे आपकी टीम सिमट गई थी, मुकाबले को 9 विकेट से यहां पर केकेआर ने जीत लिया था, और उस मुकाबले में क्रिश्चियन नहीं खेल रहे थे, आपके लिए वनिंदु हसरंगा खेल रहे थे, तो अबू धाबी की कंडीशंस को देख के आपने उन्हें खिलाया था, क्या इस मुकाबले में भी आप खिलाने की कोशिश करोगे? मुझे लगता है नहीं खिलाओगे, क्योंकि शहबाज अहमद अब आपके लिए खेल रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, स्पिन ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा विकल्प दे रहे हैं युजी चहल के साथ, तो मुझे नहीं लगता आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी, और इसलिए आप यहां पर डैन क्रिश्चियन के साथ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हो। अब देखो यार आरसीबी फैंस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर अगर दो के दोनों मुकाबले आरसीबी टीम जीत भी जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर सीएसके ने पंजाब किंग्स को हरा दिया तो फिर यहां पर आरसीबी टॉप टू में जगह नहीं बना पाएगी, तो यहां पर लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक की आपकी टीम को जरूरत है। अब वो लक कैसे मिलेगा, जैसा कि आप लोग को पता है पिछले तीन मुकाबले को आप जीत करा रहे हो, क्योंकि लगातार हम लोगों ने लिंक शेयर किया और वहां पर आपने फटाफट से डाउनलोड की एप्लीकेशन को यूज किया, उसके फायदे आपको देखने को मिले हैं, तो इस बार भी कटौती नहीं होनी चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स माय 11 सर्कल एप्लीकेशन का, क्योंकि अगर आप यहां से डाउनलोड करोगे तो पहली बात अपनी टीम के लिए बेस्ट विशेष कलेक्ट करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड बात कि 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, और भाई साहब 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो वैसे भी मिलेगा, इतने सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं, हम आप भी बन सकते हैं फॉर श्योर। भाई फैंटेसी 11 तो आपको मतलब इस मुकाबले के, इस बेहतरीन मुकाबले के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी, तो किस बात का इंतजार करो, फटाफट से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर नंबर 7 पोजीशन को लेकर, तो हमें पता है कि डेफिनेटली यहां पर आपको शहबाज अहमद को खिलाना है, क्योंकि एक भी कारण नहीं है आपका उनको ड्रॉप करने के लिए, लगातार जब से आप उन्हें खिला रहे हो आप मुकाबले जीत रहे हो और आपकी टीम की गेंदबाजी कितनी ज्यादा सुधर गई है। हालांकि हम शुरुआत में भी शौक थे कि क्यों टीम ने शहबाज अहमद के साथ कंटिन्यू नहीं किया, आपने हसरंगा को ट्रस्ट किया था, लेकिन शायद अब आप थोड़ा सा मतलब सही रोड पर हो और मुझे लगता है कि शहबाज अहमद फॉर श्योर खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर यहां पर थोड़ी सी बात हो सकती है, क्योंकि यहां पर आप जॉर्ज गार्टन को खिला रहे हो, क्या अबू धाबी की कंडीशन को ध्यान में रख के आप काइल जैमिसन की तरफ जा सकते हो? देखो मुझे लगता है कि जा तो आप सकते हो, क्योंकि अबू धाबी की पिच थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये टीम यहां पर जॉर्ज गार्टन के साथ स्टिक करेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने अच्छा किया था, 6 के आसपास की उनकी इकॉनमी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आप विनिंग कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना चाहोगे। अगर गार्टन साहब आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म में वेरिएशन दे रहे हैं, तो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ऑल्दो आपके पास विकल्प यहां पर काइल जैमिसन का है। और उसके बाद नंबर 9, 10, 11 यहां पर तो फिक्स्ड है भैया, सोचना ही नहीं है, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजी चहल, यानी कि आपके पर्पल पटेल रहेंगे, और आपके लिए मोहम्मद सिराज दैट पेस जो आपको चाहिए अबू धाबी की कंडीशंस में, और फिर चहल पहल तो भैया होती रहेगी, उनकी चर्चा यहां पर चलती रहेगी। तो इस तरीके की प्लेइंग 11, यानी कि मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि लगभग अनचेंज्ड प्लेइंग 11 यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हालांकि एक दो जो मतलब बदलाव के चांसेस हैं या फिर कोई इंजरी अपडेट आती है तो जब हम प्रीव्यू वीडियो करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, वहां पर मैं आप लोग को आराम से बता दूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेस्ट विशेष के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स
बॉक्स में माइलेबल सर्कल एप्लीकेशन का फटाफट से जाकर डाउनलोड करना। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू स्पेशल एंड ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।